क्रोध कम कैसे किया जाए? एक उपाय है, क्रोध कम हो इसकी आवश्यकता नहीं है, क्रोध में आप गलत निर्णय ना लो इसकी आवश्यकता ज्यादा है, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय कभी उचित हो ही नहीं सकता। वो बात अलग है, बच्चा पढ़ नहीं रहा, मां जाकर के क्रोध करके पीट दे, वो अलग विषय हो जाता है। किसी को सुधारने के लिए, किसी को व्यवस्थित करने के लिए मां पुत्र के ऊपर करे, पिता पुत्र पुत्री के ऊपर करे, कभी श्रेष्ठ व्यक्ति के नीचे काम करने वालों पर वो करे, वो एक अलग विषय हो जाता है। यहां तो क्रोध आमने सामने सामंजस्य और विवादों के बीच की बात कर रहे हैं हम। किसी ने आपके बारे में अपशब्द कह दिया, आपके बारे में गलत कह दिया, आपको क्रोध आ गया। अब आप लगे उसके क्रोध, उसकी बातें सुनकर के अब ऐसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये गलत है। क्रोध पर आप वश नहीं कर सकते, पर क्रोध होते समय, क्रोधित तो होते समय, क्रोध आते समय अपने निर्णयों पर थोड़ा वश कीजिए। हम निर्णय उस समय ध्यानपूर्वक लें, और इसका एक ही उपाय है कि जब क्रोध आए तब मौन हो जाओ। क्रोध में हाथ पैर आंख कान नाक जीव सब विचित्र हो जाते हैं, लेकिन इनका एक ही उपाय है। जीव यदि खुली तो सब खुल जाएंगे, जीव यदि चुप रह गई तो सब अपने आप चुप बैठे रहेंगे। अगर क्रोध के समय जीव को आपने रोक लिया, कैसे भी करके अपने होंठ दबा लिए, तो हाथों की मजाल नहीं किए चल जाएं, पैरों की मजाल नहीं किए थिरक जाएं। इसलिए हमारे भागवत जी में कहा गया, जितम सर्वम जिते रसे, इसके कई भाव हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितम सर्वम जिते रसे, बोले इन सारी इंद्रियों का जो जैसे गाड़ी में आजकल अब चाबी बदल गई है, अब बटन आ गए हैं, स्टार्ट करने का बटन होता है, बटन दबाते ही इंजन भी चालू हो जाएगा, एसी भी चालू हो जाएगा, लाइट भी चालू हो जाएगी, स्टेयरिंग भी पावर हो जाएगी, एक्सीलेटर ब्रेक सब बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे शरीर रूपी गाड़ी की एक ही बटन है, वो है जीव। इसको यदि आपने वश में कर लिया तो अन्य किसी भी इंद्रिय की सामर्थ्य नहीं कि वो कुछ कर जाए। इसको बस वश में कर लीजिएगा, क्रोध खूब करो, खूब धुआंधार क्रोध करो, 24-24 घंटा क्रोध करो, कोई दिक्कत नहीं, अपनी जीव को बंद करके रखना बस। आप देखेंगे अपने आप आपका क्रोध जो है वो कंट्रोल्ड हो जाएगा, अपने आप धीरे धीरे क्रोध सम होता चला जाएगा। लेकिन यही तो सबसे कठिन है कि क्रोध आवे और जीव ना खुले, क्रोध आवे और जीव ना भूले। इसलिए जीव को रोक लो। इस कथा को सुनने का, इन कथाओं को सुनने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, और ये सब चीजों का साफल्य बंधुओं इन्हीं इन्हीं चीजों में देखिएगा। ये तिलक आदि इन सब लगाने से भगवान हमको मिलेंगे, ये सब चीज करने से, कथा आदि सुनने से ठाकुर जी के हम हो जाएंगे आते, वो एक बात का विषय है, पर प्रथम विषय तो ये है। ये ऐसी ऐसी स्थितियां होनी चाहिए, कथाएं सुनने का, सत्संग करने का, नाम जप करने का, तिलक लगाने का, वैष्णव भेष धारण करने का एक नियम यह भी होना चाहिए, इसका प्रतिफल यह होना चाहिए कि आपकी जीव आपके वश में रहे, आपकी जीव आपके कंट्रोल में रहे। ये 10 ठाकुर जी ने हमको दासियां दी हैं, पर ये दासियां इतनी दुष्ट हो गई हैं, ये हम पर अधिकार जमाती हैं, हमारा इन पर कोई अधिकार ही नहीं है। जीव हमारी दासी है कि हम इसके दास हैं? हमारी दासी है, पर हो क्या गया है, हम इसके दास बन गए। चाट खवा लाओ, सोई महाराज 20 रुपए का तेल फूंक देते हैं, बाइक ली खिला लाए, कौन हो तुम दास हो कि वो दासी है तुम्हारी? तुम दास हो उसके। इसलिए भैया क्रोध कम हो उसके लिए जीव को अपने वश में कर लो, जीव को शांत कर लो बस। इसको मैं दूसरा नाम देता हूं कथाओं में, लूली बाई। क्या नाम है? लूली बाई। एक भी हड्डी नहीं है इसके अंदर, पर ये आपके शरीर की सिर से लेके पैर तक एक एक हड्डी को टुड़वाने की सामर्थ्य रखती है। लूली बाई
सिक्योरिटी गार्ड है, इसके 32 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में रहती है लूली भाई। इसलिए भैया ये लूली भाई को संभाल लो। अच्छा एक बात कहें, अभी हमने इतनी बुराई जीव की कर दी, परंतु यही जीव है जो भगवत प्राप्ति कराती है, यही जीव है जो आपको रामकृष्ण से मिलाएगी। सूरदास जी कहते हैं, मन रे कृष्ण नाम कह लीजे, राम नाम कह लीजे। और वहीं बिंदु जी कहते हैं, हमारे वृंदावन के बिंदु जी, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, जो है सुख कर आनंद धाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम, रसना निस दिन भज हरि का नाम, श्री राम श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री राम। तो क्रोध पर यदि विजय प्राप्त करनी हो तो रसना को अपने वश में कर लीजिए, जीव को अपने वश में कर लीजिए। संपूर्ण भागवत